हेलो दोस्तों, क्या हाल है सर? मत पूछो सर, पेपर तो हो गया बट सर इतना मजा नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। पेपर का रिव्यू करूंगा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एडवांस अकाउंट्स के लिए। ये वाला पर्टिकुलर रिव्यू कौन से बच्चे देख सकते हैं जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट सितंबर 24 है या फिर जनवरी 25 है? वो बच्चे, जो बच्चे अभी अभी पेपर दे के आए हैं, वो रिव्यू ना देखे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर वो ये रिव्यू देख रहे हैं तो एक बात मैं तुम लोगों से पहले सबसे पहले बोलूंगा कि बच्चों देखो कि पेपर तुम्हारा कैसा भी गया हो, अगर अच्छा गया हो तो अच्छी बात है। अगर पेपर तुम्हारा बुरे से बुरा भी गया है ना, तो मैं आपको यह बता दूं कि यह एक मैच था जो तुम शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर यह एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। क्रिकेट का एक पूरा सीरीज है, यह कोई नॉकआउट मैच नहीं है कि अब बस तुम गेम से आउट हो गए। अभी भी तुम गेम के अंदर हो, तुम्हारे लॉ का पेपर अभी है, तुम्हारा टैक्स का पेपर है, तो पूरा सीरीज है, पूरा सीरीज तुम्हें खेलना है और सीरीज तुम्हें जीत के आना है। ऐसा मत सोचना कि यार पेपर मेरा एडवांस अकाउंट्स का बुरा गया है तो यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा। तुम सिर्फ एक गेम हारे हो या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हारे हो मुझे गलत वर्ड हो गया, हारना नहीं बोलना चाहिए। एक गेम में तुमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया शायद, बट तुम्हारे सामने कंप्लीट अभी पूरी सीरीज है और तुम अभी भी पूरा सीरीज जीत सकते हो, बस इतना ही बोलूंगा। और अगर तुम ये रिव्यू देखना चाहते हो तो एक कान से डालना, दूसरे कान से निकाल लेना। चलिए, तो पेपर का रिव्यू कर रहा हूं मैं। उससे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोल लिया था कि सर पेपर भाई बता दो बच्चों कैसा आपका पेपर गया, तो मैक्सिमम बच्चे आप देख पा रहे हो मॉडरेट, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडरेट गया है। ठीक है, अभी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। मेरा क्या ओवरव्यू है पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरा ओवरव्यू आपके ओवरव्यू से डिफर कर सकता है बेटा। बेटा देखो, हर किसी का अपना अपना इंडिपेंडेंट व्यू है। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि पेपर वॉज अबव एवरेज। अगर आप मुझसे अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोल रहा हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे आपको लग रहा है कि नहीं सर, आपके हिसाब से हमारा जो तरीका है, हमारे हिसाब से कुछ और तरीके का पेपर था, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। पेपर वॉज अबव एवरेज, यस। मैं सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज के केस में मैं कुछ ज्यादा तो बता नहीं सकता, पर कुछ जो बच्चे मालूम पड़ी है बातें कि सर लेंदी केसेस थे, कुछ बच्चे बोल रहे सर बहुत इजी थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नहीं सर टाइम ले गए, हमारा टाइम बहुत ज्यादा ले लिया एमसीक्यूज ने। बाकी इंटरनल चीजें ईजी थी बट बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, 3 केसेस आए थे और 2 सिंगल एमसीक्यूज आए थे। बायबैक वाले एमसीक्यू में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चारों के चारों ऑप्शन गलत थे, किसी एकाद एमसीक्यू के अंदर चारों के चारों ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ही गलत थे। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि भाई क्या था। तो एमसीक्यूज को लेकर अगर मैं बोलूं तो बच्चे कह रहे हैं सर चलो एटलीस्ट हमें यह हेल्प हो गई थी कि जो एमटीपी आरटीपी में एमसीक्यूज आए थे, मैंने एक सेशन लिया था कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा उससे हेल्प हो गई थी। हम बात करेंगे मेजरली 70% डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले क्वेश्चन में वो मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं, पर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। AS16 का बोरिंग कॉस्ट का बहुत इजी क्वेश्चन आया था, आपके मॉड्यूल में आपको आराम से मिल जाएगा। AS2 का जो क्वेश्चन आया था इन्वेंट्री का, बच्चों ये जबरदस्त क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैंने अपने 151 क्वेश्चंस की लिस्ट में डाला था। 110% में श्योर हूं मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ये CA फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी AS की ट्रम बुक पे भी बच्चों को करवाया है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर वो ढंग से पढ़ के गए होंगे तो AS2 अच्छे से करके आए होंगे। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि पेपर वॉज अबव एवरेज। उसके मैं आपको बहुत सारे रीजन बताऊंगा। पहला, एमसीक्यूज बहुत लेंदी थे। दूसरा, AS2 का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन आया था, मैंने अपने 151 क्वेश्चन लिस्ट में दिया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी था बट एक पॉइंट उन्होंने डाल दिया एक्स्ट्रा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको करना था जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पर एक पॉइंट उन्होंने डाल दिया ओन डिबेंचर्स के कैंसिलेशन का। बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो गए, शायद कुछ बच्चे पैनिक हुए, पर मैं आपको बता दूं ये ओन डिबेंचर कैंसिलेशन वाला पॉइंट बायबैक के किसी क्वेश्चन में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर ही बायबैक के किसी क्वेश्चन में हुआ करता है। उन्होंने वहां से उठा के उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया बेटा, और कुछ नहीं था। तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को भी डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। This was a good question and this is the third reason I'm saying कि paper was above average. उसके बाद बात करें question number 3, उसमें आए थे आपके A और B, उसमें आए थे आपके A और B, जिसमें AS7
आपका इजी क्वेश्चन था, हमने 151 क्वेश्चन लिस्ट में भी इसको डाला था, और AS3 में जो आया था वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इजी था, मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर इजी था, आराम से था, डुएबल था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अमलगमेशन का क्वेश्चन था जिसमें पीसी निकालना था और बैलेंस शीट बनाना था, कोई नया क्वेश्चन नहीं लगा मुझे इसमें, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं लगा, इट वॉज अ वेरी डुएबल क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन 14 मार्क्स का अमलगमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आया था कंसोलिडेशन, एक बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पर 14, यहां पर 14, यहां पर 14, तीन क्वेश्चन मिलाकर इन्होंने आपको दे दिया 42 मार्क्स का, तो इसीलिए पेपर कंपैरेटिवली लेंदी भी था। तो जो बच्चे बोल रहे पेपर लेंदी था, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, पेपर एक्चुअल में लेंदी था बिकॉज एमसीक्यू की लेंथ भी अच्छी खासी थी। कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन आया था, वैसे तो कंसोलिडेशन में आपको बैलेंस शीट बनाना था, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट था, डाउनस्ट्रीम का एडजस्टमेंट था, बट इन्होंने एक नया एडजस्टमेंट डाल दिया अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, एंड दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग पेपर वॉज अबव एवरेज। क्यों? इसमें उन्होंने एक पॉइंट डाल दिया, जो पॉइंट वो अमलगमेशन के एक क्वेश्चन में डालते हैं, अमलगमेशन का एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई ट्रांसफर री कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वैसी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसफरर की होनी चाहिए। ऐसा कंसोलिडेशन में भी एक क्वेश्चन है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की दोनों की पॉलिसी मैच होनी चाहिए, जहां पर वो सब्सिडरी कंपनी की पॉलिसी कुछ और है, वो अपने ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 1% का प्रोविजन बनाता है जबकि होल्डिंग नहीं बनाता। उन्होंने वो पर्टिकुलर पॉइंट उठा के इस पूरे पूरे क्वेश्चन में पूछ लिया, हो सकता है बच्चों से कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ियां शायद हुई होंगी, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट उन्होंने डाल दिया। अब आप देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा पूरा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है, कभी ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट टफ डाल दिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट डाल दिया, कंसोलिडेशन के अंदर ट्रिकी पॉइंट डाल दिया, AS2 के अंदर कुछ ट्रिक्स डाल दी, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, तो बाय प्रोडक्ट के एनआरवी को आपको जॉइंट प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट से माइनस करना था, फिर बाकी रिमेनिंग जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को आपको अलोकेट करना था, तो यह क्वेश्चन ट्रिकी था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वहां पर तीन क्वेश्चन आए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में चॉइस था कि आप या तो AS19 का करो या तो आप AS20 का करो। AS19 का क्वेश्चन तो लीजेस वाला था, लेसी की बुक्स में था, फाइनेंस लीज है कि नहीं ये फाइंड आउट करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने इसको अपनी लिस्ट में भी रखा था। AS20 उन्होंने वापस से, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने दो अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, एक उसमें उन्होंने डिबेंचर्स वाला पार्ट डाल दिया कि डिबेंचर कन्वर्टेबल है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा उन्होंने पार्टली पेड वाली बात डाल दी, ये दोनों चीजें अलग अलग क्वेश्चन में होती है, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दी, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा एक अच्छा क्वेश्चन था एंड द पेपर वॉज अबव एवरेज। आपको समझना चाहिए कि मैंने पेपर अबव एवरेज इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत अच्छी बहुत बातें डाली हैं। इसके बाद डिविडेंड रूल्स पर क्वेश्चन आ गया था, डिविडेंड का रेट उन्होंने बोला था कि इतना प्रपोज कर रहे हैं, तीन कंडीशंस होती हैं डिविडेंड की, एवरेज डिविडेंड वाला, फिर आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, मिनिमम आपका रिटेंशन बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में कितना होना चाहिए। अगर कोई पढ़ के नहीं गया होगा तो गया, नहीं तो और अगर कोई पढ़ के गया होगा तो आराम से उसने अटेम्प्ट किया होगा, डुएबल था। फॉरेन ब्रांच का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया 6 मार्क्स का, अगेन बोलूंगा कि भाई फॉरेन ब्रांच का उन्होंने जो 6 मार्क का क्वेश्चन दिया वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वो कोई ऐसा मोनोटोनस क्वेश्चन नहीं था कि हाँ सर ऐसा वाला क्वेश्चन तो हमने देखा है, उसमें हल्की फुल्की बातें उन्होंने कुछ एडिशनल डाली थी, मुझे बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को पढ़ के, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो पेपर था ये पेपर में हर कुछ कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन नहीं मतलब 1-2 उसके बाद आपका 3-4 और कंसोलिडेशन 5 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। हां 5 क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ट्रिकी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं टफ थे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर वॉज अबव एवरेज। क्या पेपर ऐसा ही आना चाहिए? यार मैं सच बताऊं यार, हम सीए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पेपर ऐसा होना भी चाहिए, बट मैं एक चीज को लेकर ना आईसीआई से थोड़ा सा नाराज हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत सोच रहा हूं कि सही। यार अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देने हैं, ऐसे पेपर्स देने हैं, आप बिल्कुल दीजिए, पर आप एटलीस्ट MTP का लेवल तो बढ़ाइए सर। आप MTP सीरीज 1 जो देते हो वो पूरी कॉपी पेस्टेड देते हो मॉड्यूल से, आप MTP सीरीज 2 देते हो वो पूरी की पूरी कॉपी पेस्टेड देते हो मॉड्यूल से, ठीक है ना। चलो MCQ पे अपन बात नहीं कर रहे, अपन डिस्क्रिप्टिव पे बात कर रहे हैं, पर सर कुछ तो लेवल बढ़ाइए सर, है ना। तो डियर ICI आप थोड़ा सा MCQ का लेवल बढ़ाइए। क्या होता है, आप MCQ इतना इजी, सॉरी MTP की बात कर रहा हूं, सॉरी, तो आप थोड़ा सा MTP का लेवल बढ़ाइए। MTP
जो आप दे रहे हो एमटीपी सीरीज वन एमटीपी सीरीज टू, वो तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने पूरा कॉपी पेस्ट करके दिया है। फिर क्या है, बच्चों की ना उम्मीदें कम हो जाती हैं कि हाँ ठीक है एमटीपी तो इजी आया है, क्या ही दिक्कत है। पर जिस हिसाब से आप पेपर निकाल रहे हो ना और जो आप एमटीपी दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें ना बहुत बड़ा गैप है। थोड़ा सा, इतना भले नहीं पर हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन तो आप ट्रिकी क्वेश्चन डाल सकते हो एमटीपी में भी। तो मैं इस चीज को लेकर कहीं ना आईसीआई से थोड़ा सा नाराज हूं। मुझे लगता है आईसीआई को एमटीपी का भी लेवल बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। तो गाइज ये पूरा पेपर का रिव्यू था। मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर इसके सॉल्यूशन दे दो ये दे दो, वो बाद में आ जाएंगे। जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट करिए आपके लॉ के पेपर पर। मैं अगेन बोलूंगा इट वॉज जस्ट अ गेम, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूरी सीरीज है। अभी आपके बाकी के दो गेम्स और बचे हैं, दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो अभी भी आपके पास पांच गेम्स अभी और बचे हैं। पूरा का पूरा सीरीज खेल के आओ, नॉकआउट नहीं चल रहा, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और एक लास्ट बात बता दूं कि पूरे रिवीजन के दौरान पिछले 5-10 दिनों में बहुत सारी हेल्प की मैंने बच्चों की और बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला, अभी भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि बच्चों ये 151 क्वेश्चंस की लिस्ट, चार्ट्स और चार्ट रिविजन्स और मास्टर प्रॉब्लम, ये कितना हेल्पफुल हुए। बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए कि सर ये बहुत अच्छा लगा, आपके जो चार्ट रिविजन्स थे आपके मास्टर क्वेश्चन थे ये बहुत हेल्पफुल हुए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए। तो गाइस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और डेफिनेटली आगे भी आप अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। दिस वॉज योर सीए जय चावला, बाय बाय।